दोस्तों आज हम आपको वाइसोलॉन 10 टेबलेट के बारे में बता रहे हैं। इस टेबलेट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्रेडनिसोल दिया है। इस टेबलेट का काम गंभीर से गंभीर होने वाली एलर्जी संबंधित परेशानी, अस्थमा रोग, गठिया, त्वचा विकार, नेत्र से संबंधित समस्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी किडनी से संबंधित परेशानी, यानी जब किडनी 75% डैमेज हो, 75 या 80% डैमेज होने के बाद में पेशेंट को जानकारी होती है कि उसकी किडनी की कोई समस्या है। किडनी का काम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। इसके उपचार के लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। और घमौरी, चर्म रोग, आंतों में सूजन और सोराइसिस और रूमेटिक हार्ट डिसीज और चेस्ट में होने वाला यानी छाती में होने वाले दर्द के लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। यह टेबलेट उन मरीजों को नहीं लेनी चाहिए जैसे प्रेग्नेंट लेडी है या फिर आप सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्पिरिन जो टेबलेट है, रेमिप्रिल है, फ्लूकोनाजोल है। फ्लूकोनाजोल अगर टेबलेट आप ले रहे हैं उसके साथ में अगर आप इस टेबलेट का प्रयोग करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि फ्लूकोनाजोल भी जो त्वचा संबंधित परेशानी के लिए किया जाता है। इस टेबलेट का भी प्रयोग त्वचा संबंधित जो चर्म रोग है, सोरासिस जैसे रोग है, उसके लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। अगर आप फ्यूकोनाजोल लेंगे तो यह टेबलेट उन इन टेबलेटों के साथ में क्रिया कर सकता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस टेबलेट का अगर हम बिना डॉक्टर की राय से इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर दर्द है, त्वचा संबंधित परेशानी है, बेहोशी जैसी स्थिति, मुहासे, रक्तचाप में वृद्धि, घावों का देर से भरना और आंखों में सूजन, मोतियाबिंद और नींद न आना, सेक्सुअल क्षमता में कमी और हड्डी से संबंधित परेशानी और एमसी पीरियड आपका गड़बड़ा सकता है। अगर लेडीज इस टेबलेट का प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगी तो उनका एमसी पीरियड या तो रुक रुक कर आएगा या फिर लंबे समय बाद आएगा। इसलिए इस टेबलेट का प्रयोग आप बिना डॉक्टर की राय से नहीं करें। अगर इस टेबलेट का प्रयोग करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक ही इस टेबलेट का प्रयोग करें। सुबह शाम इस टेबलेट को लें, उसके बाद जो आपकी एलर्जी संबंधी परेशानी है, अस्थमा है या गठिया रोग है, सोराइसिस है या आंतों में सूजन है, लिम्फोमा जैसी परेशानी है, चर्म रोग है, अगर ये नहीं ठीक होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इस टेबलेट की मार्केट प्राइस 15 रुपये है। इसमें 15 गोली का यह पत्ता आता है, 15 टेबलेट इसमें होती हैं। ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है, पर आप बिना डॉक्टर की राय से या ज़्यादा इसका डोज ना लें तो आपको समस्या हो सकती है। धन्यवाद।